हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू ए ऑनलाइन सॉल्यूशन। कैसे आप लोग? तो आज हम आपको कराएंगे क्लास 10 सामाजिक विज्ञान का जो ज्योग्राफी किताब है उसका चैप्टर नंबर पहला का सब्जेक्टिव क्वेश्चन। और मैं आपके लिए डेली सब्जेक्टिव क्वेश्चन ला रहा हूँ, तो आप वीडियो को जरूर वॉच कीजिए, समझिए क्वेश्चन को और इसको याद करने की कोशिश कीजिए, ठीक है ना। और मैंने आपको बताया है कि वीडियो को कैसे याद करना है, सब्जेक्टिव क्वेश्चन को कैसे याद करना है, कैसे पढ़ना है, ताकि आपको सब्जेक्टिव क्वेश्चन याद हो जाए एंड समझ समझ के पढ़ना है। तो सोशल का यही तो नाम है ना। तो सबसे पहले सवाल पढ़ते हैं, भारत, इसका जो चैप्टर का नाम है भारत संसाधन एवं उपयोग, ठीक है ना। अब इस चैप्टर से जितना सारा, इस चैप्टर में पांच पार्ट आता है, ठीक है ना। एक जल संसाधन अलग है, शक्ति संसाधन अलग है, ओके, ऊर्जा संसाधन अलग है, प्राकृतिक संसाधन, वन्य संसाधन। इन पांचों को मैंने यहाँ पे टोटल क्वेश्चन एक्सप्लेन कर दिया है। तो अगर हम यहाँ पे हर एक क्वेश्चन को एक्सप्लेन करेंगे तो वीडियो काफी लंबी हो जाएगी। मैं कुछ क्वेश्चन को एक्सप्लेन करता हूँ, आपको समझाता हूँ कि आपको कैसे याद करना है, बाकी वो सवाल कहाँ मिलेंगे मैं आपको बताने वाला हूँ। सबसे पहले पढ़ते हैं लघु उत्तरीय प्रश्न। देखिए, पहले तो मेनली रुक जाते हैं कि संसाधन को परिभाषित करें, यानी कि संसाधन कहते किसको, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। एंड ये आप जानो मेरे प्यारों कि यहाँ पे देखिए मैंने डेट लिख दिया, और ये जो डेट है वो एक्चुअल में बिल्कुल एकदम बिल्कुल सही डेट है। इस डेट को एग्जाम, इस ईयर को एग्जाम में पूछा गया है कि संसाधन किसे कहते हैं। देखिए, पर्यावरण के वे सारे अवयव, अवयव का मतलब आप वस्तु भी बोल सकते हैं, पर्यावरण के वे सारे वस्तुएं जो विद्यमान तकनीक की सहायता से मानव जीवन की आवश्यकताओं को पूर्ण करने की क्षमता रखते हैं। मतलब सिंपल सा आप बोल सकते हैं कि पर्यावरण में वे सभी वस्तुएं जो मौजूद है वो मानव की किसी भी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए क्या है, क्षमता रखते हैं। तो इसको क्या बोलते हैं, संसाधन कहते हैं। जैसे अगर आपने किताब खरीदा तो किताब आपके लिए संसाधन हो गया। अगर आप पेट्रोल खरीद रहे हैं, अपने आवश्यकताओं को पूरा कर रहे हैं, तो पेट्रोल भी क्या हो जाएगा, आपका संसाधन हो जाएगा, ठीक है ना। तो बोला गया, सिंपल सा बोल सकते हैं कि पर्यावरण में मौजूद वे सभी वस्तुएं जो मानव की आवश्यकताओं को पूरा करता है। तो आप सिंपल सा ऐसे भी बोल सकती है, और यहाँ पे इस लैंग्वेज का भी यूज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। चलिए जानते हैं प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण क्यों आवश्यक है, क्यों प्राकृतिक संसाधन को बचाना जरूरी है। तो प्राकृतिक संसाधन जैसे कि कोयला हो गया, पेट्रोल हो गया, जल हो गया, वायु हो गया, आपका वन हो गया, है ना, ये सब प्राकृतिक संसाधन, इसको क्यों संरक्षण जरूरी है। देखिए इंपॉर्टेंट सवाल, देखिए, विकास कार्यों के लिए मानव ने संसाधनों का अविवेकपूर्ण एवं अति उपयोग किया है। विकास के कार्यों के लिए जैसे रेलवे बनाना है तो पेड़ को काट दिया, सड़क बनाना है पेड़ को काट दिया, घर बनाना है पेड़ को काट दिया। तो मानव ने संसाधनों का अविवेकपूर्ण मतलब बददिमागी टाइप से, है ना, उपयोग किया, और अति उपयोग किया मतलब वेस्ट भी ज्यादा किया, बहुत ज्यादा उपयोग किया। जैसे कोयला का देख लीजिए कितना फास्ट ज्यादा उपयोग किया मानव ने। यही नहीं, कई संसाधन आज समाप्ति के कगार पर पहुंच चुके हैं। कई ऐसे संसाधन है जो अब समाप्ति के कगार पहुंच गए कि अब समाप्त हो सकता है। अतः सतत पोषणीय विकास के लिए यह आवश्यक है। सतत पोषणीय मतलब कंटिन्यू, अगर विकास चाहिए कि आने वाली पीढ़ी भी इस संसाधन को उपयोग कर सके, जैसे कोयला, पेट्रोलियम, कि आने मेरी आने वाली नस्ल भी इसका यूज कर सके, तो इसके लिए क्या जरूरी है कि संसाधन संरक्षण पर जोर दिया जाए। जो संसाधन वेस्ट हो रहा है ना, उस पर जोर दिया जाए, पेड़ों को ना काटा जाए। अगर पेड़ काट रहे तो उसके बदले ज्यादा पेड़ लगाया जाए, नहीं काटने की कोशिश की जाए पेड़ को, है ना, और ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाया जाए। जो भी पेट्रोलियम कोयला यूज करते हैं वो आवश्यकता के अनुसार यूज किया जाए, तभी ये सुरक्षित संरक्षित रह सकता है। ये हमारे लिए बहुमूल्य है, बहुत ही कीमती है। अगर कोयला खत्म हो जाएगा तो नाक रगड़ते रह जाएगा इंसान, लेकिन कोयला नहीं मिल पाएगा। पेट्रोलियम के लिए जिंदगी भर त्रस्त रह जाएगा, नहीं मिल पाएगा, खत्म हो जाएगा। तो ये हमारे लिए बहुमूल्य है, एवं इनके निर्माण में लाखों वर्ष लगते हैं, भाई साहब लाखों वर्ष लगते हैं निर्माण में। पेट्रोलियम कोयला जो हम लोग यूज कर रहे हैं उसके लिए लाखों वर्ष लगे हैं निर्माण में। संसाधन संरक्षण पर कई नेताओं और चिंतकों ने अपने विचार व्यक्त किए हैं, जिनमें महात्मा गांधी का नाम भी उल्लेखनीय था। यानी कि महात्मा गांधी ने बोला कि संसाधन को संरक्षण रखना बहुत जरूरी है, और हम लोग तो किताब में पढ़ते आ रहे हैं। यहाँ पे संसाधनों का संरक्षण क्यों महत्व है, फिर वही सवाल, लेकिन ये लॉन्ग में है, ठीक है ना, अब इसको पढ़िएगा। अब देखिए, मैंने यहाँ पे प्राकृतिक संसाधन के बारे में बताया है, ओके, मैंने यहाँ पे इंग्लिश में भी नहीं किया, इंग्लिश में कर दूंगा। जब वेबसाइट में जाओगे तो वहां पे भी आपको मिल जाएगा इंग्लिश में थोड़ी देर बाद, ठीक है ना। प्राकृतिक संसाधन के बारे में जानते हैं। पवन अपरदन वाले क्षेत्र में कृषि की कौन सी पद्धति उपयोग की जाती है, यानी कि पवन अपरदन मतलब जहाँ वायु बहुत ज्यादा चलती है, हवा खूब चलती है, और मिट्टी क्या होती है, अपरदन हो जाती है, मिट्टी जो है, वायु जो है मिट्टी को उड़ा के ले चल जाती है, तो उस जगह पे कृषि की कौन सी पद्धति उपयोग की जाती है। पवन अपरदन वाले क्षेत्रों में पट्टिका कृषि उपयोग की मानी जाती है। पट्टी का मतलब यहाँ पे क्या बोलते हैं, इस तरह से देखिए ये खेत है तो यहाँ पे ऐसे बना दिया जाता है,
इसको आरी बोलता है ना, पट्टी का मतलब इसको आरी पट्टी टाइप का बना दिया जाता है ताकि मिट्टी जो है उड़ के नहीं जाए दूसरी जगह, या कृषि फसलों के बीच घास की पट्टियां विकसित कर देती, या तो फिर क्या करता है, या तो फिर करता क्या कि जो कृषि फसल होता है ना उसके बीच घास की पट्टियां विकसित कर दी जाती है, तो ये भी हो जाता है पट्टियां। एक तो आरी बनाता है, ये भी पट्टी मट्टी से बनाता है मोटा मोटा, या तो फिर क्या करता है कृषि फसलों के बीच, जो कृषि वाला फसल है ना तो वहां पे बीच में घास की पट्टियां विकसित कर दी जाती है ताकि मतलब ये अपरदन ना हो मिट्टी। आगे देखिए, मृदा निर्माण के कारक का वर्णन कीजिए। मृदा का निर्माण भौतिक एवं रासायनिक क्रियाओं से होता है। कैसे होता है? भौतिक क्रिया से होता है और रासायनिक क्रिया से भी होता है। इन क्रियाओं के कारण चट्टाने मुलायम होती है। अब इसी के कारण जो है मृदा जो निर्माण होता है, इसी कारण क्या होता है, चट्टाने मुलायम होती हो जाती है, जो आसानी से टूटकर कणों में बदल जाती है। मृदा निर्माण के पांच प्रमुख कारक है कौन कौन है भाई? स्थानीय जलवायु, मानी कि जो वहां के जलवायु, वो मूल चट्टानों की प्रकृति कैसी बनी हुई प्रकृति, कहीं पुराना हो गया तो भी मिट्टी में बदल जाएगा। वनस्पतियां, वहां की वनस्पतियां, भू आकृति, वहां की जमीन की आकृति कैसी है, ऊंचाई कैसी कितनी है, मृदा बनने में लगने वाला समय, कितना समय लगता है। तो ये पांच कारक है जिसके कारण मृदा का निर्माण होता है। जलोढ़ मृदा के विस्तार वाले राज्यों के नाम बताइए। देखिए, अब आप जानना है पहले यानी कि किस राज्य में जलोढ़ मृदा बहुत ज्यादा विस्तार है, इन मृदा में कौन कौन सी फसलें उगाई जाती है। देखिए, अगर आप सब्जेक्टिव क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ोगे ना तब आपको ऑब्जेक्टिव एकदम ऑटोमेटिक और सटीक तरीके से ऑब्जेक्टिव याद होगा। देखिए, बिहार में सबसे ज्यादा जलोढ़ मिट्टी, बिहार, उत्तर प्रदेश, असम, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, कर्नाटक, गुजरात, आंध्र प्रदेश इत्यादि राज्यों में जलोढ़ मिट्टी विस्तार है, यानी कि इन सभी राज्यों में। इसके अलावा और भी है, तो आपको अगर चार पांच नाम याद कर ले, बिहार, बिहार के सटा हुआ क्या है उत्तर प्रदेश, अब बिहार के सटा हुआ क्या है पंजाब, लो ना यहाँ ऐसे याद कर लो, बिहार के सटा हुआ उत्तर प्रदेश है, उत्तर प्रदेश से सटा, बिहार से सटा हुआ क्या है पंजाब भी है। चलिए, आप आगे यहाँ पे जब आ जाएंगे तो थोड़ा सा असम भी देख लेंगे, है ना, मध्य प्रदेश याद कर लीजिएगा, तमिलनाडु, कर्नाटक, गुजरात, ये सब राज्यों में जलोढ़ मिट्टी ज्यादा होता है। ऐसे भारत में सबसे ज्यादा जलोढ़ मिट्टी भी होता है। इन मृदा में गन्ना, चावल, गेहूं, मक्का, दलहन इत्यादि फसलें उगाई जाती है। कितना आसान सा सवाल है, कोई भारी सा सवाल नहीं है, बस आपको पढ़ना है। देखिए, जलोढ़ मृदा से क्या समझते हैं, जलोढ़ मिट्टी होता है क्या है ना, और क्या सवाल बोला गया, बोला गया इस मृदा में कौन सी फसलें उगाई जाती हैं। जलोढ़ मृदा नदियों द्वारा लाई गई गाद के निक्षेप से बनी है। तो जलोढ़ मृदा कैसे बनता है, नदियों के द्वारा लाई गई जो गाद होता है ना, गाद समझते हैं जो पानी में बह करके जो आता है, गाद बोलते हैं उसके, निक्षेप से बनी है। समुद्री लहरें भी अपने तटों पर ऐसे ही मिट्टी की परतें जमा करती है। जब समुद्र लहरें चलते हैं तो उसके किनारे किनारे जो है ना, जो मिट्टी जमा होती है वो जलोढ़ मिट्टी ही है। इस मृदा में चावल, गेहूं, चना, दलहन, तेल, कपास, गन्ना, जो इत्यादि सब्जियां उगाई जाती है, आप बोल सकते हैं सब्जियां भी उगाई जाती है। खादर और बांगर में क्या अंतर, बहुत इंपॉर्टेंट प्यारे। खादर मिट्टी किसको बोलते हैं, नए नवीन एवं उपजाऊ जलोढ़ मिट्टी को खादर कहते हैं, यानी कि जलोढ़ मिट्टी का ही प्रकार है खादर और बांगर, ठीक है ना। तो अगर जलोढ़ मिट्टी नए है, नई है और उपजाऊ है, तो उसको क्या बोलेंगे, खादर मिट्टी बोलेंगे। खादर मिट्टी में बाढ़ का प्रभाव होता है, बाढ़ वगैरह के कारण ज्यादा बनता है, तो अक्सर बाढ़ वगैरह आता रहता है। उत्तरी बिहार देखिए, एवं गंगा का मैदान इसका उदाहरण है। उत्तरी बिहार में बहुत ज्यादा बाढ़ भी आता है। आपको याद रखना है कि बिहार का उत्तरी बिहार हर साल बाढ़ से डूबता है, और दक्षिणी बिहार में सुखाड़ आता है, और गंगा का मैदान में यहाँ पे खादर मिट्टी बहुत ज्यादा, क्योंकि बाढ़ वगैरह ज्यादा आता है। बांगर जानते हैं, बांगर पुरानी जलोढ़ मिट्टी को कहते हैं। जलोढ़ मिट्टी, खादर और बांगर सब याद कीजिएगा। जलोढ़ मिट्टी दो प्रकार का हो गया, खादर और बांगर। खादर नई हो गया और बांगर पुरानी मिट्टी हो गया। बांगर मिट्टी में बाढ़ का प्रभाव नहीं होता है ना। महाराष्ट्र एवं पंजाब की भूमि इसका उदाहरण है। महाराष्ट्र, पंजाब देखिए बाढ़ वगैरह नहीं आता। तो अब अगर हर एक सवाल को पढ़ के मैं बताऊं, देखो कितना सारा मैंने सारा सवाल जल संसाधन से जो भी सवाल मैंने यहाँ पे दे दिया है, एकदम इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट सवाल है। आप इसको जरूर एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, नहीं तो मैं बताता हूँ अपने वेबसाइट पे जाने का और वहां पे इसको जाके स्क्रीनशॉट लेने का। मतलब आप यहाँ से लो स्क्रीनशॉट या वेबसाइट में जाके स्क्रीनशॉट लो, बात बराबर है, ठीक है ना। और इसका इंग्लिश में बहुत जल्दी करके दे दूंगा, जो बच्चों को इंग्लिश में प्रॉब्लम है सवाल का, तो अब मेरे को टाइम नहीं मिला, लेकिन मैं इसका इंग्लिश में ट्रांसलेट करके वेबसाइट में डाल दूंगा। लेकिन फिलहाल वेबसाइट में अभी हिंदी मिलेगा, अब देख लेना। वीडियो डाले अगर दिन हो गया, बस वीडियो डाला आज, कल होकर उस पर इंग्लिश में डाल दूंगा, ठीक है, डोंट वरी। आप जाओ वेबसाइट पे देख लेना, मैं बताता हूँ कैसे जाना आपको। देखिए, ये सब सारा क्वेश्चन डाल दिया है, तो आप लोग इसको पढ़ो ध्यान से, कितनी मेहनत तरीके से इसको रेडी किया। आपको सबसे पहले करना क्या है, गूगल पे आपको सर्च करना है ए ऑनलाइन सोल्यूशन ऑफिशियल डॉट कॉम, ठीक है ना, दिख रहा होगा आपको। और यहाँ पे आपको क्लिक करना है, जैसे क्लिक करोगे, क्लिक करते ही इस तरह से पेज खुलेगा,
और यहाँ पे मैं बता दूँ ऑनलाइन टेस्ट भी होता है, तो आप जाके यहाँ से ऑनलाइन टेस्ट जाके देख सकते हो, ठीक है ना। उसके बाद नीचे आने का, ये जो बॉक्स बना हुआ ना इसको छोड़ देने का, और इसी की जैसे एक और बॉक्स बना हुआ है, वो बॉक्स पुराना वाला है, अब हम मैं नया तरीके से बना रहा हूँ। तो यहाँ पे सामाजिक विज्ञान को ओपन करना है, ओपन करने के बाद सामाजिक विज्ञान का पेज खुलेगा, यहाँ पे ऑब्जेक्टिव वाला सेक्शन है इसको छोड़ देने का है, एंड नीचे यहाँ पे सब्जेक्टिव वाला सेक्शन आ गया है, तो ये हिस्ट्री का है, देखो मैंने अभी हिंद चीन समाजवाद साम्यवाद डाला है, तो आप देख सकते हैं पढ़ सकते हैं यहाँ पे, एंड यहाँ पे संसाधन एवं उपयोग, इसको जैसे आप ओपन करोगे तो यहाँ पर आपको मिल जाएगा इन सभी सवालों के जवाब, देखिए है ना, भर भर के यहाँ पे जवाब मैंने डाल दिया जो मैंने अभी आपको बताया, तो यहाँ पे इंग्लिश भी रहेगा, डोंट वरी, आप जाओ वीडियो को देखो, और जिसको पीडीएफ वगैरह लेना है तो भाई नीचे कमेंट करना, एंड नीचे डिस्क्रिप्शन में नंबर दिया, मोबाइल नंबर दिया, वहां से आप मेरे को कमेंट कर सकते हो पीडीएफ के लिए। ओके, दैट्स ऑल, थैंक यू एवरीवन, बाय।